सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं यार आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाले सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। टोटल 3 T20 इंटरनेशनल मैच की दोस्तों ये सीरीज है, जिनमें से एक मैच ऑलरेडी खेला जा चुका है। आपको याद भी होगा 2 दिन पहले ग्वालियर में वो वाला मैच खेला गया था, है ना। और वो वाला मैच आपको पता है दोस्तों टीम इंडिया ने काफी आसानी से जीत लिया था। अब आज वाला दोस्तों जो मैच है ये ग्वालियर में नहीं खेला जाएगा, ये खेला जाएगा दिल्ली के अंदर। कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आज वाले मैच में भी दोस्तों जीतने की ज्यादा चांसेस डेफिनेटली टीम इंडिया के ही है ना। और आज वाले मैच के साथ ही दोस्तों टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का भी मौका है कि आज वाला मैच जीत जाएंगे तो भाई सीरीज भी इंडिया के नाम हो जाएगी। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के लिए आज वाला ये जो मैच है ये एक तरीके से डू और डाई मैच हो जाता है कि ये यार या तो ये वाला जो मैच है ये बांग्लादेश जीत जाए या तो फिर जो सीरीज है वो इनके हाथ से चली जाएगी, है ना। तो हो सकता है आज वाले मैच में देखो अपने को बांग्लादेश की टीम की तरफ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई सीरीज दांव पे है। लेकिन फिर भी दोस्तों आज वाले मैच में जीतने के जो ज्यादा चांसेस हैं वो डेफिनेटली टीम इंडिया के ही है। वही अगर दोस्तों देखो मैं बात करूं कंडीशन के, तो जो लास्ट मैच खेला गया था वो ग्वालियर में खेला गया था, वहां की कंडीशंस अलग थी, जो पिच था वो थोड़ा सा स्लो था, है ना। और आज वाला दोस्तों जो मैच खेला जाएगा वो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की दोस्तों जो बाउंड्रीज है वो भी छोटी है, पिच भी जो है फास्ट है ना, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। ये चीज हमने आईपीएल में भी देखी थी, है ना। यहां पर जो भी मैच हुए थे सब मैच में 200 प्लस का स्कोर जा रहा था, तो आज वाला दोस्तों जो मैच है ना वो अपने को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, ये बात भी आप अपने दिमाग में रख लो। अब दोस्तों देखो यार कंडीशंस के हिसाब से, पिच के हिसाब से किस तरीके से आप लोगों को इस मैच में अपनी फैंटेसी की टीम बनानी है, किस तरीके से आप लोगों को इस मैच में फैंटेसी में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, वो सारी चीजें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए एकदम टॉप क्लास एनालिसिस का वीडियो में लेके आया हूं, है ना। आप लोगों को क्या करना है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है और अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि भाई देखो यार वही बात है, अगर आपने एनालिसिस अच्छे से समझ ली ना तो फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मेरी जरूरत पड़ेगी, नहीं किसी और की जरूरत पड़ेगी। आप अपने आप इस मैच में एक काफी अच्छी टीम बना पाओगे और काफी अच्छा प्रॉफिट इस मैच में कमा पाओगे। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से ही देखना और पूरा देखना, है ना। और एक चीज और है कि भाई इस वीडियो को आराम से पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके काम की है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो भाई जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाना। अगर आपको जस्ट इन केस ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो भाई इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाना, है ना। मेरे को पता लगता है कि भाई मैं कितना अच्छा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं आपके उस लाइक और डिसलाइक से, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की, तो यार इस वीडियो में आप लोगों को इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली जाएगी, बहुत अच्छी एनालिसिस हम कर ही लेंगे। फिर हमेशा की तरह दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस मैच की एक टीम भी बना के दिखा दूंगा, लेकिन वही बात है यार ये जो आपको वीडियो में टीम बनेगी ये एक डेमो टीम रहेगी, है ना। क्योंकि फाइनल टीम अपनी टॉस होने के बाद बनती है, जब अपने पास फाइनल पिच रिपोर्ट आ जाती है और फाइनल प्लेइंग 11 आ जाती है, तो अपनी जो भी फाइनल टीम बनती है जिससे मैं खुद भी खेलता हूं वो हमेशा की तरह टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको अपनी साइड स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फिलहाल में दोस्तों 170,000 से भी ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना, और रेगुलरली फायदा उठा रहे हैं हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का। अगर आप नहीं जुड़े हो तो आपका जरूर जाना है टेलीग्राम चैनल की। दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक दो सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। तो मेरे भाई आपको जुड़ ही जाना है, है ना, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है और लाखों लोग जुड़ रखे हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने आपको बताई दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जरूरी है जुड़ना, क्योंकि फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको वही मिलती है। बात करते हैं दोस्तों देखो यार इस मैच की, तो ये वाला जो मैच है आज शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा और ये वाला जो मैच है दोस्तों ये अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर खेला जाएगा, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। और एक चीज हो रहा है भाई, जो भी आज अपने चैनल पे नए आए हैं ना वो नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे दबा के बेल आइकन ऑन कर लेना। लगभग 7 लाख लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि उनका फायदा हो रहा है हमारी एनालिसिस के वीडियोज से, तो आपको भी वीडियोज मिलते रहेंगे तो आपका भी फायदा हो जाएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार हम पिच और वेदर के बारे में, तो मौसम दोस्तों जो है वो क्लियर रहने वाला है, मौसम की वजह से आज वाले मैच में कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम के पिच के बारे में, पूरा ध्यान देना चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहां की जो बाउंड्रीज हैं वो कुछ खास बड़ी नहीं है, ऐसे मान लो कि 65 मीटर्स की आपको यहां पर बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी, जो कि काफी छोटी हैं। और यहां पर बाउंड्रीज बहुत जाती हैं भाई, चौके छक्के बहुत जाते हैं। आईपीएल 2024 से आपको याद है अरुण जेटली स्टेडियम में 200 प्लस का स्कोर बनाना एकदम आम बात हो गई थी, 200 प्लस का स्कोर चेस करना काफी आम बात हो गई थी, ठीक है। तो आज वाला दोस्तों जो मैच है
वो भी अपने को हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, स्पेशली तब जब इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है, क्योंकि इंडिया बना देगी आराम से हाई स्कोर, है ना। हो सकता है बांग्लादेश न बना पाए, तो इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है, तो ध्यान रखना कि 200 प्लस अपने को जाते हुए आराम से दिख सकता है, ठीक है। अब दोस्तों सिर्फ यहां पर देख लो मैंने क्या लिखा है कि हमने देखा ही है कि आईपीएल में क्या हुआ था, इस वेन्यू पर यह चीज मैंने आप लिखी है। उसके अलावा दोस्तों जब से यह स्टेडियम मॉडिफाई किया गया है, यह आईपीएल से पहले मॉडिफाई कर दिया गया था, यहाँ के जो पिच वगैरह है ना वो मॉडिफाई कर दिए गए थे, तो उन जब से यह काम हुआ है ना तब से दोस्तों ये वाला जो मैदान है ये हाई स्कोरिंग मैच ही प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके अलावा दोस्तों आज वाले मैच में भी अपन सिमिलर सीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाई स्कोरिंग मैच अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाउंड्री साइज दोस्तों जो इस मैदान की है वो भी काफी छोटी है, उसकी वजह से ये एक तरीके से बॉलर्स के लिए तो वही बात है, ग्रेवयार्ड है ना, शमशान ही साबित हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों पिच जो है वो डेफिनेटली फ्रेश रहेगा, हल्की फुल्की घास है पिच पे, उसकी वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग के 3-4 ओवर में हो सकता है स्विंग मिल जाए, लेकिन उसके अलावा भी बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है, ठीक है। एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 180 तो आप मान के ही चलो, बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो थोड़ा सा नीचे रह सकता है, अदरवाइज 180 तो आई थिंक आराम से पहुंच जाना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी उन्हें टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए आई थिंक, हालांकि दोस्तों अगर टीम इंडिया पहले टॉस जीत जाती है तो वो पहले बैटिंग करने का देख सकते हैं, है ना। बाकी आई थिंक टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि इवनिंग मैच रह गया, शाम का मैच रह गया, ड्यू जो है रोल प्ले कर भी सकती है। बाकी दोस्तों देखो मैंने आपको ये जो चीज बताई है ना ये जनरल पिच रिपोर्ट है, आपको भी पता है ना। इस मैच की दोस्तों जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो अपने पास टॉस के बाद आएगी, और वो मैं आपके साथ हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, है ना। तो आप लोगों को बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना है, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वेन्यू स्टेट्स अगर अपन देखो दोस्तों तो अरुण जेटली स्टेडियम में आज तक टोटल 7 मैच खेले गए हैं T20 इंटरनेशनल के, जिनमें से 3 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 4 मैच पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 164 का है, हाईएस्ट जो स्कोर है वो इंडिया का है, लोवेस्ट स्कोर श्रीलंका का है। स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आप खुद भी देख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात यह ना कि यार इनके जो पिच है ना, यहाँ के जो पिच है वो रिसेंटली मॉडिफाई किए गए हैं, तो जो वेन्यू स्टेट्स हैं आई थिंक वो ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, वेन्यू स्टेट्स झूठे साबित हो सकते हैं आज वाले मैच में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों देखो यार रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो इंडियन टीम की तो भाई विनिंग स्ट्रीक चल रही है, हम सबको पता है ना, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो सीरीज खेली थी वो जीते ही थे, उसके बाद श्रीलंका को 3-0 से पहला ही था, उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट जो एक मैच अभी रिसेंटली खेला है उसमें आसानी से जीत ही गए थे, बांग्लादेश को पहले ऑल आउट कर दिया 127 रन पे, उसके बाद ओनली 12 ओवर के अंदर अंदर जो है टारगेट चेस कर दिया, तो डोमिनेट करते हुए जीते थे। आज वाले मैच में भी डेफिनेटली जीतने के ज्यादा चांसेस इंडिया के ही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों बांग्लादेश की, तो यार बांग्लादेश की चल रही है लूजिंग स्ट्रीक, बैक टू बैक जो है ये मैच हारे जा रहे हैं। ये T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच है जिसके हम विजेता भी थे, बाकी बांग्लादेश ने दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये हारे, यहाँ से इंडिया के अगेंस्ट ये हारे, यहाँ से अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी ये हारे, और पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट भी हार गए। आज वाला मैच में डेफिनेटली जो है जीतने के, मतलब इनके तो हारने के चांसेस है, जीतने के ज्यादा चांसेस इधर है। हेड टू हेड की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज तक जो है बांग्लादेश अभी तक एक ही मैच जीती है, हालांकि ये पिछले 10 मैच है, लेकिन टोटल भी आई थिंक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 15 एक T20 इंटरनेशनल खेले गए, जिनमें से भी मात्र एक ही मैच जीती है बांग्लादेश, है ना। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वो जो एक मैच जीती है ना बांग्लादेश वो यहीं पर जीती थी, मतलब कि अरुण जेटली स्टेडियम में, तो वो एक जो है थोड़ा सा कोइंसिडेंस बैठ गया, लेकिन हाँ ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के फेवर में है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हम इंडिया की टीम न्यूज के बारे में, तो वो भी आपके स्क्रीन के सामने देख लेते हैं क्या न्यूज आ रही है इंडियन टीम की तरफ से। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको एक्चुअली बताई दिया कि इंडिया अभी तक सिर्फ एक ही T20 इंटरनेशनल हारी है बांग्लादेश से, और वो भी इसी वेन्यू पर हारी थी, तो वो जो है बांग्लादेश हो सकता है उस चीज से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ भाई इंडिया को हम यहाँ पर पहले भी हरा चुके हैं, है ना, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं उसे, छोड़ो उसे। खैर बात करते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 की, तो देखो यार पिछले मैच में हर्षित राणा को नहीं खिला गया था, रवि बिश्नोई को नहीं खिलाया गया था, तिलक वर्मा को नहीं खिलाया गया था, है ना। अगर इंडियन टीम एक आधा चेंज करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम कर रही है एक्सपेरिमेंट आपको भी पता है ना, और अगर एक आधा चेंज करना चाहे तो वो हर्षित राणा को आज खिला सकते हैं, हर्षित राणा को खिलाएंगे तो डेब्यूट हो जाएगा इनका। रवि बिश्नोई को आज खिला सकते हैं, रवि बिश्नोई बहुत अच्छे स्पिनर है ये बात हम सब जानते हैं, क्या पता वॉशिंगटन सुंदर की जगह आज खिला दें इनके। तिलक वर्मा अगर बुलाना चाहें तो रियान पराग या फिर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह बुला सकते हैं, तो वो एक आधा चेंज ये कर सकते हैं इंडिया टीम, है ना। हालांकि दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, हर्षित राणा अभी स्क्वाड का हिस्सा तो है लेकिन अभी तक इन्होंने डेब्यूट नहीं किया है ना। मैंने ये चीज अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की थी
कि मयंक यादव वगैरह ने क्या है कि डेब्यूट कर लिया, तो वो आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि वो रिटेन करने होते हैं ना प्लेयर को, जो कैप्ड प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं उनको रिटेन करने की एक लिमिट रहती है। अब अगर मयंक यादव को रिटेन करना है तो फिर वो सीनियर मतलब कैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में करना होगा। हर्षित राणा अभी तक डेब्यूट नहीं किए हैं, यानी कि ये अगर इस सीरीज में डेब्यूट नहीं करते हैं तो आईपीएल के लिए अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में रिटेन हो सकते हैं, ये चीज है। और जो कि आई थिंक कि हर्षित राणा खेलते भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से हैं, तो वो है ना, समझ रहे हो ना। बाकी आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, हर्षित राणा को मौका दिया जाएगा इस सीरीज में। बाकी एक आधा चेंज मैंने आपको बता ही दिया है, शिवम दुबे इस सीरीज से रूल आउट हो ही चुके थे, वो सब भी आपको बता दिया था। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अभी तक इंडियन टीम की तरफ से आई नहीं है, और वही बात है यार, देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहेगी, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है, वो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ हमेशा तरह अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। इंडिया के दोस्तों जो पूरी स्क्वाड है जो कि इस सीरीज के लिए अनाउंस हुई थी वो आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर दोस्तों शिवम दुबे रूल आउट हो चुके हैं, इनको छोड़ो और बाकी आप देख लो, है ना। इसमें पिछले मैच में तिलक वर्मा नहीं खेले थे, इनको खिलाया जा सकता है, और उसके अलावा जितेश शर्मा वगैरह को तो आई डोंट थिंक इस सीरीज में मौका मिलेगा। अभी हर्षित राणा को मौका मिल सकता है, मयंक यादव को रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मयंक यादव की थोड़ी सी हिस्ट्री रही है इंजरी की, है ना। तो अगर मयंक यादव को रेस्ट देना चाहे, हर्षित राणा को बुलाना चाहे आज वाले मैच में, तो ये काम कर सकते हैं। तो मतलब ये एक दो चेंज करना चाहे कर सकते हैं इंडिया टीम, उसके अलावा कोई मेजर चेंजेस तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा, ठीक है। पॉसिबल प्लेइंग 11 की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वो आपकी स्क्रीन के सामने, विनिंग कॉम्बिनेशन है पिछले मैच का, तो मेरे को लगता नहीं है कि वैसे इनको कोई लॉजिकली तो चेंज करना चाहिए, बस एक्सपेरिमेंट के लिए ही चेंज करेंगे तो कर लेंगे। और देखो एक्सपेरिमेंट के लिए अगर कोई भी टीम चेंज करती है तो उसकी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है, और ऑफिशियल न्यूज अभी तक अपने पास आई नहीं है, इसलिए मैंने भी इन 11 खिलाड़ियों में कोई चेंजेस किए नहीं है। जस्ट इन केस हो जाते हैं तो टॉस के बाद अपने को पता लग जाएगा, मैं आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आता है अभिषेक शर्मा की, पिछले मैच में जो है थोड़े से अनलकी थे अभिषेक शर्मा, लेफ्ट हैंड बैटर है दोस्तों, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, पार्ट टाइम बॉलर है, पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, ऑलरेडी बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है, आज वाले मैच में भी बॉलिंग मिलने के चांसेस कम ही मानो, सिर्फ बैटिंग से काउंट करके चलो, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में इनका रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन के सामने, रिसेंटली डेब्यूट मारा था, पिछले मैच में दोस्तों ओनली 16 रन बना पाए थे अभिषेक शर्मा, लेकिन बात यह कि यार ये अनलकी थे, रन आउट हो गए थे, है ना। संजू सैमसन ने हल्का सा पुश किया, फिर ये अभिषेक शर्मा भाग ही गए थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि वो रन लेना ही नहीं था, है ना। तो उसमें जो है अपना जल्दबाजी में अपने ही वजह से जो है अनलकी होके रन आउट हो गए। उम्मीद करता हूँ अभिषेक शर्मा कमबैक करेंगे, और भाई ये जो मैदान है ना यहाँ पर, तो अभिषेक शर्मा अच्छा भी करते हैं। मैं आपको बता दूं T20s में अभिषेक शर्मा का यहाँ पर जो बैटिंग एवरेज है वो 55 प्लस का है, तो अच्छा कर सकते हैं अभिषेक शर्मा, छोटी बाउंड्रीज है, अच्छे शॉट मार सकते हैं। आप लोगों की टीम को मैं उठाना तो उठाना ही है, साथ ही साथ दोस्तों CVC के डिसेंट चॉइस है अभिषेक शर्मा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास ऑप्शन आ जाता है देखो संजू सैमसन का, विकेट कीपर के सेक्शन में आपको दिखेंगे, और डेफिनेटली इनको उठाना ही उठाना है। पिछले मैच में अच्छी लेआउट ताल में नजर आए थे, 29 रनों की डिसेंट पारी खेली थी, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन बात यह कि यार बांग्लादेश की टीम की तरफ से विकेट कीपर उठाने से तो अच्छा है, इंडियन टीम का उठा लेते हैं, अच्छा कर जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों अपने पास सूर्य कुमार यादव हैं, मिस्टर 360 और टीम के कैप्टन, पिछले मैच में 29 रनों की अच्छी पारी इन्होंने भी खेली, T20 इंटरनेशनल के नंबर वन बैट्समैन ऐसे ही नहीं कहते इनको, है ना, और अच्छा खेल ही रहे हैं। 42 का बैटिंग एवरेज भी है, एक्सपीरियंस भी कूट कूट के भरा है, यहाँ पर 50 आई थी, ये 26 रनों की पारी है, बस बीच में इस मैच में जो अच्छी पारी नहीं खेल पाए थे। बाकी डेफिनेटली एक ऐसे मैदान में जहां पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है वहां पर तो सूर्य कुमार यादव अपना सूपला शॉट निकालेंगे, अच्छा करेंगे परफॉर्मेंस, है ना। और साथ ही साथ दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी एक्चुअली आप लोगों के लिए सीवीसी के अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास नीतीश कुमार रेड्डी आ जाते हैं, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं, इस सीरीज में अपना डेब्यूट मारा। उससे पहले दोस्तों 20 मैच T20 डोमेस्टिक के खेल चुके हैं, जिनमें दोस्तों 395 रन है और 3 विकेट हैं। अब दोस्तों देखो यार 20 मैच में ओनली 3 विकेट हैं, इसका मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे इनको बॉलिंग नहीं मिलती है। पिछले मैच में दोस्तों वही बात है, इंडियन टीम एक्सपेरिमेंट कर रही थी इसलिए इनको बॉलिंग दी गई थी 2 ओवर, लेकिन बॉलिंग से विकेट जो है ये नहीं निकाल पाए थे। बैटिंग इनकी आई थी 16 नॉट आउट की पारी खेली थी, लेकिन ये बैटिंग आई थी दोस्तों 100 की स्ट्राइक रेट से, बाकी सब बैट्समैन ने लगभग 130 140 150 की स्ट्राइक रेट से खेला, ये सबसे स्लो थे। लेकिन बात यह कि यार चलो ठीक है, यंग प्लेयर हैं, डेब्यू टीम आ रहे हैं, चलता है इतना। तो नीतीश कुमार रेड्डी देख लेना आने, या तो इस सीरीज में या फिर नेक्स्ट सीरीज में, कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार रेड्डी किसी ना किसी मैच में ट्रंप कार्ड निकल के आएंगे, क्योंकि ये बंदा अच्छी बैटिंग भी कर सकता है
और एक पार्ट टाइम बोलिंग भी कर सकता है, ठीक ठाक ओवर निकाल सकता है, ये चीज हमने आईपीएल में नोटिस की है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपने पास हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टीम, राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, एक्सपीरियंस आपकी स्क्रीन के सामने है, पिछले मैच में 39 नॉट आउट की शानदार पारी थी, साथ ही साथ एक विकेट था, पूरे चार ओवर जो है इन्होंने अपने खोटे के मतलब क्या बोलते हैं अपने कोठे अपने खाते के किए थे जो भी था, है ना, और मेरे दिमाग से निकल गया वो वर्ड। बाकी उसके अलावा हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, T20 इंटरनेशनल में डेफिनेटली आपको अपनी टीम में उठाना ही चाहिए, और आप लोगों के लिए टीम के दोस्तों सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन ये हो जाते हैं, सेफेस्ट सबसे ज्यादा सेफ अगर मैं बताऊं तो वो हार्दिक पांड्या ही है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों रियान पराग आ जाते हैं, बैटिंग ऑर्डर हद से ज्यादा डाउन कर दिया, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है इनकी बैटिंग आई नहीं पाई थी पिछले मैच में, बॉलिंग भी दोस्तों T20 इंटरनेशनल में पार्ट टाइम करवाते थे लेकिन पिछले मैच में तो बॉलिंग भी नहीं दी गई क्योंकि इनके पास एक्चुअली बॉलिंग ऑप्शन भी बहुत सारे इंडियन टीम के पास, ऐसे प्लेयर जिनकी नहीं तो बैटिंग आई नहीं बॉलिंग आई फिर इनको अपनी टीम में उठाने का देखो सेंस होता नहीं है, इसीलिए अपने इस मोहल्ले की टीम से हम इस बार रियान पराग को इग्नोर करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जस्ट इन केस मान लो जो फाइनल प्लेइंग 11 आती है ना उसमें बैटिंग ऑर्डर भी आता है, तो रियान पराग का अगर बैटिंग ऑर्डर नंबर 4 पर दिखाता है क्योंकि रियान पराग का जनरल बैटिंग ऑर्डर नंबर 4 पर ही है ना, पिछले मैच में नंबर 6 पे थे, बाकी नॉर्मली नंबर 4 पर है, और अगर नंबर 4 दिखाते हैं तो फिर हम अपनी टीम में इनको ट्राई करने का सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह है, ये तो फिनिशर है, बैटिंग ऑर्डर हद से ज्यादा डाउन, आती नहीं है बैटिंग, है ना, और आती भी है तो थोड़ी बहुत बॉल खेलने को मिलेंगी और डेफिनेटली हम अपनी स्मॉल लीग टीम में नहीं उठाएंगे। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट आ जाती है, वॉशिंगटन सुंदर पिछले मैच में 2 ओवर करवाए थे, 1 विकेट ले गए थे तो ठीक ठाक पॉइंट दे दिए थे। बाकी दोस्तों देखो ये है अरुण जेटली स्टेडियम, यहाँ पर जो बॉल है वो स्पिन आई डोंट थिंक ही होगी, इसीलिए अगर आप चाहो तो वॉशिंगटन सुंदर को इग्नोर करके चल सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको अपने टीम में रखना, छोटी बाउंड्रीज हैं, है ना, वैसे तो बाउंड्रीज ज्यादा जाएंगी तो बैट्समैन को अपनी टीम में ज्यादा प्रीफर करना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अपने पास वरुण चक्रवर्ती है, अर्शदीप सिंह है, मयंक यादव है, मैं सोच रहा हूँ तीनों को ही अपनी टीम में उठाने का, तीनों ही गजब बॉलर है हम सब जानते हैं। वरुण चक्रवर्ती जो काफी अच्छे लेग स्पिनर है, पिछले मैच में वापसी की T20 इंटरनेशनल में वापसी के साथ ही दोस्तों 3 विकेट अपनी टीम के नाम किए, आईपीएल तो हर बार इनका अच्छा जाता ही है, आईपीएल में तो कोई डाउट ही नहीं है, पिछले मैच में भी अपनी चक्री घुमाई अच्छी किया, और हम सब जानते थे यार वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है, वो तो पहले जब इनको T20 इंटरनेशनल में मौका दिया गया था तब वो मौका अच्छे से नहीं इन्होंने प्राप्त किया, अच्छा हो नहीं पाया, किस्मत खराब थी, है ना, बाकी डेफिनेटली अच्छा करेंगे, ये पिछले मैच में 3 विकेट लेके गए थे। अर्शदीप सिंह दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर, बैक टू बैक विकेट निकाल रहे हैं, पिछले 4 मैच अगर आप इनके T20 इंटरनेशनल के देखोगे तो टोटल 9 विकेट अपनी टीम के नाम कर चुके हैं, पावर प्ले में विकेट निकालने की एक तरीके से हॉबी सी इनकी बन चुकी है, डेफिनेटली अपनी टीम में उठाने वाले हैं हम, और अगर इंडियन टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप इनको वाइस कैप्टन के रूप में भी देख सकते हो, देखना चाहो तो। बाकी उसके बाद दोस्तों मयंक यादव हैं, पेस बैटरी एक तरीके से कह सकता हूं, है ना, पिछले मैच में दोस्तों अपना डेब्यूट मारा था, इनका जो पहला ओवर था वो मेडन था, दूसरे ओवर में 1 विकेट आया था, उसके बाद दोस्तों 2 ओवर इनके अच्छे नहीं गए, अदरवाइज देखो मयंक यादव डेफिनेटली आप लोगों को विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से ये बॉलिंग करते हैं ना 150 की स्पीड से, आई थिंक कि बल्लेबाज कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, बाकी वो बात हो जाती है दोस्तों इंडियन टीम की। अब अपन बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की पूरी स्क्वाड आपकी स्क्रीन के सामने है ना, यहाँ पर दोस्तों महमदउल्ला जो है ना उनका ये आखिरी गेम हो सकता है, मतलब ये सीरीज तो इनकी डेफिनेटली आखिरी है, उसके बाद ये T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उसलिए भी क्या पता थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट देख इन्हें को मिल जाए। बाकी बांग्लादेश की दोस्तों जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो आपकी स्क्रीन के सामने। अब यहाँ पर दोस्तों एक दो चीजें हैं जो अपडेट हैं अपने पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों देखो, बांग्लादेश की टीम जस्ट इन केस अगर चेंजेज करना चाहे प्लेइंग 11 में तो क्या कर सकती है, एक तो टस्किन अहमद पिछले मैच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे तो इनकी जगह ये बुला सकते हैं तंजिद हसन को। ठीक है, ये एक चेंज यहाँ पर होता हुआ आपने को दिख सकता है। उसके अलावा दोस्तों एक और चेंज अगर मैं बात करूँ तो देखो परवेज हुसैन की जगह ये किसी और बैटर को अगर खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं, एक चेंज ये पॉसिबल है। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं देखो मेडी हसन मिराज जो है ना वो मतलब थोड़ी सी एक हल्की फुल्की अपने पास उड़ती खबर आ रही है कि आज वाले मैच में ओपनिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे एक तरीके से, लेकिन इसके चांसेस देखो थोड़े से कम है, वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हाँ ऐसी खबर आ रही है। अब देखो अगर ओपनिंग करेंगे तो अपने को टॉस के टाइम पे पता लग जाएगा, पता लगते ही मैं अपने
टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना। और यार देखो मैं तो बोलता हूँ ओपनिंग करे न करे, उठाना तो बनता ही है क्योंकि बैटिंग नंबर 7 पर होता है, इसे बैटिंग तो आ जाएगी क्योंकि इंडिया की बॉलिंग काफी अच्छी रह गई है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार इनिंग 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी आपके स्क्रीन के सामने। अच्छा मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आ रहा है क्या? इतना वीडियो देख लिया आपने और पसंद आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, है ना, इतना तो कर ही देना अपने भाई के लिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपने पास परवेज का ऑप्शन आ जाता है, नए प्लेयर हैं, T20 इंटरनेशनल में ज्यादा खेला नहीं है, T20 में 36 गेम खेले हैं जिनमें 714 रन के साथ ओनली 20 का बैटिंग एवरेज है। अगर T20 डोमेस्टिक में भी 20 का ही एवरेज है तो फिर इंटरनेशनल में कोई बंदा क्या ही उखाड़ लेगा। पिछले मैच में मात्र 8 रनों की पारी खेली थी, डेफिनेटली दोस्तों हम अपनी स्मॉली की टीम में इनको नहीं रखना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास लिप्टन दास का ऑप्शन आ जाता है, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, 2000 के समथिंग रन है, 23 का बैटिंग एवरेज है, पिछले मैच में दोस्तों मात्र 4 रन पे आउट हो गए थे अपनी खुद की गलती की वजह से। इनको पता है कि भाई बाउंड्री आ चुकी है तो फिर अर्षदीप सिंह के अगेंस्ट उल्टा सीधा शॉट मारने की जरूरत कहां थी, लेकिन भाई मारेंगे हम तो और मरवाएंगे हम तो, है ना। कुछ वही बात आ गई, पिछले मैच में अपना विकेट जल्दी देके चले गए। एक बात मैं आपको और बता दूं, लिप्टन दास दोस्तों रिसेंटली ऐसे मान लो 1.5 साल से लेफ्ट आर्म बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अर्षदीप सिंह आज वाले मैच में वापस इनको परेशान करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टीम के कैप्टन है नजमुल हसैन शेंटो, लेफ्ट हैंड बैटर है, 46 मैच का एक्सपीरियंस है, 23 का बैटिंग एवरेज इनका भी है, पिछले 4 में से दोस्तों 3 मैच में डिसेंट पॉइंट इन्होंने दिए हैं, ये 41 रनों की पारी है, 40 रनों की पारी है, और पिछले मैच में भी 27 रनों की पारी आई थी। लेकिन बात पता क्या है, इन तीनों ही पारियों में एक चीज को मैंने और वो है इनकी स्ट्राइक रेट जो कि रहती है 110-120 की। बहुत स्लो खेलते हैं, डिफेंसिव अप्रोच लेते हैं, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोली थी। अगर आपको डिफेंसिव अप्रोच वाला बल्लेबाज चाहिए कि हाँ भाई कैसे भी करके 15-20-25 पॉइंट आप लोगों को दे दे, है ना, तो आप उठा सकते हो नजमुल हुसैन शेंटो को, है ना। उसके अलावा दोस्तों अपने पास ताऊ द्रुदोई है, 29 मैच में 607 रन बनाए, 27.5 का बैटिंग एवरेज है, पिछले 5 में से दोस्तों मात्र 1 मैच में डिसेंट पॉइंट दिए हैं, पिछले 4 में तो 15 का भी जो स्कोर है वो क्रॉस नहीं कर पाए। अब दोस्तों इन चारों की अगर मैं बात करूं तो देखो अगर नॉर्मल पिच होता तो मैं इन चारों में से किसी को नहीं उठाता, लेकिन चूंकि दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच हो गया और जो बाउंड्रीज है वो छोटी है, उस हिसाब से अगर आप किसी को उठाना चाहो तो उठा सकते हो बैटिंग डिपार्टमेंट से, है ना। और उठाओगे भी तो किसे उठाओगे, देखो परवेज को तो रहने देना, लिट्टन दास नजमुल हसन सेटो तावीद रिदोई में से देख लो किसी एक को, अगर अग्रेसिव अप्रोच वाला चाहिए तो लिट्टन दास, अगर सेफ अप्रोच वाला चाहिए तो नजमुल हसन सेटो और तावीद रिदोई, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपने पास देखो महमदुल्ला का ऑप्शन आ जाता है, नंबर 5 पर आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, पार्ट टाइम बॉलर भी है, लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी और आज वाले मैच में तो दोस्तों बॉलिंग मिलने के चांसेस न के बराबर ही मान लो, क्योंकि यहां पर तो पिटाई होने वाली है, ठीक है। बाकी उसके अलावा दोस्तों देखो अगर मैं बात करूं तो बैटिंग से भी कुछ खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही है पिछले 3-4 मैच में, इसीलिए हम अपनी स्मॉली की टीम में इनको भी कंसिडर नहीं करेंगे, भाई रिटायर होना है हो जा, हम तो अपनी स्मॉली की टीम में नहीं उठा रहे, ठीक है। जाकर अली आ जाते हैं दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली आपको विकेट कीपर सेक्शन में देखने को मिलेंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ओनली 17 मैच का एक्सपीरियंस है, कुछ खास इनिंग भी नहीं आ रही है, तो इनको भी हम अपनी स्मॉली की टीम में नहीं उठा सकते, है ना। वही बात है देखो यार अपनी टीम में मैक्सिमम प्लेयर हम इंडियन टीम से उठाने वाले तो उठाने ही वाले हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मेडी हसन मिराज को हम जरूर अपनी टीम में उठा सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं ये, और अगर नहीं भी करते हैं तो फिर भी उठा लेना क्योंकि बैटिंग आएगी और बॉलिंग करेंगे, ठीक है। राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 25 मैच का एक्सपीरियंस है, रिकॉर्ड इनका कुछ ऐसा है, पिछले मैच में 35 नॉट आउट की पारी भी खेली थी और एक विकेट भी निकाला था, बहुत स्लो पारी थी 35 नॉट आउट की, लेकिन ऐसा है कि खेल गए थे, पॉइंट दे गए थे अच्छे खासे, तो उठा लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास रिशाद हुसैन आ जाते हैं, अच्छे लेग स्पिनर है, अगर आप देखोगे तो पिछले मैच में ही बस विकेट नहीं मिला, उससे पहले बैक टू बैक जो है T20 क्रिकेट में विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, ठीक है। रिशाद हुसैन दोस्तों पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, ये जो 11 रनों की पारी आई थी इनमें कुछ बाउंड्रीज भी शामिल थी, रिशाद हुसैन का मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की एगादी टीम में जरूर से ही ट्राई करके चलना, अगर थोड़ा सा रिस्क लेने का आपको शौक है तो आप इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने पास इनकी पेस बैटरी आ जाती है, जिनमें अपने पास नाम है सोरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और तस्किन अहमद का, ध्यान रखना एक आधे चेंज हो सकते हैं। बाकी अपनी टीम की अगर मैं बात करूं तो देखो यार मेरा मन तो किसी को भी उठाने का नहीं है इन तीनों में से, है ना, क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर आप उठाना ही चाहो तो मैं बोलूंगा इन तीनों में से मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो है मुस्तफिजुर रहमान है, तो आप इनको ही उठा लेना अगर उठाना चाहो ही तो, अदरवाइज फिर उठाने की जरूरत नहीं है, अपने पास पड़े हैं प्लेयर्स, बॉलर्स भी पड़े हैं अपने पास इंडिया टीम से उतारने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सोरीफुल इस्लाम दोस्तों 42 मैच में 46 विकेट है, 8.15 की इकोनॉमी रेट है, पिछला मैच विकेट लेस किया था। मुस्तफिजुर रहमान के पास बहुत सारे विकेट हैं, पिछले मैच में एक विकेट भी निकाला था, है ना। मुस्तफिजुर रहमान एकमात्र पेसर जिन्होंने विकेट निकाला था पिछले मैच में, उसके अलावा टस्किन अहमद की कुटाई हो गई थी, विकेट एक भी नहीं मिला था, हार्दिक पांड्या ने क्या मारा था यार, है ना,
आपको भी पता होगा अगर आपने मैच देखा होगा। तो लेदे की बात ऐसी है कि इनमें से आई डोंट थिंक मैं किसी को उठाने वाला हूं, थोड़ा सा अगर ध्यान भी दूंगा तो मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर दूंगा, और किसी के ऊपर तो मैं ध्यान भी नहीं देने वाला। ठीक है, ये बात हो गई है दोस्तों दोनों टीम के जितने भी प्लेयर थे उनके जितने भी रिकॉर्ड थे उन सब के बारे में। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक इस वीडियो में हम इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, बहुत अच्छी एनालिसिस कर चुके हैं, है ना। प्लेयर बैटल वगैरह इस मैच के लिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि दोनों टीम्स में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि नए प्लेयर हैं जिन्होंने एक दूसरे के आमने सामने खेला नहीं है, है ना। तो प्लेयर बैटल वगैरह एग्जिस्ट करते नहीं है। तो अब इस वीडियो में दोस्तों देखने के लिए सिर्फ एक चीज बाकी बची है और वो है इस मैच की टीम। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक टीम मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं। मैं आ जाता हूं अपने ड्रीम इलेवन की स्क्रीन पर, मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी आपको अपने साइड में दिख पा रही होगी, टीम में आपको बना के दिखा देता हूं, है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको टीम बना के दिखाऊं इस मैच की, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी टीम आपको इस वीडियो में मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम रहेगी, क्योंकि फाइनल टीम आप लोगों को टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, है ना। टॉस होने के बाद यार चेंजेज हो सकते हैं फाइनल प्लेइंग 11 और फाइनल पिच रिपोर्ट को देख के, तो उसके बाद ही हम अपनी फाइनल टीम बनाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। आप खुद देख सकते हो 171,000 से ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं फिलहाल में, तो आपको भी जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक मैंने आपको बता दिया नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहां पर टीम के साथ साथ दोस्तों विनिंग स्क्रीनशॉट, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज, क्रिकेट अपडेट्स सब कुछ आती है ना। तो ध्यान रखो उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। बाकी बात करते हैं दोस्तों हम अपनी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन से संजू सैमसन तो उठाना ही उठाना है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। बाकी ले देखे अगर आप लिट्टन दास स्कोर उठाना चाहो तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों हम बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन से सूर्य कुमार यादव हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, ये दोनों उठाने ही उठाने नो डाउट। उसके अलावा दोस्तों देखो रिंकू सिंह हो जाते हैं, अपनी टीम में हम नहीं उठाएंगे। नजमुल हुसैन सेंटो को आप उठा सकते हो, सेफ चॉइस है, मैंने आपको बताया था धीरे धीरे खेलेंगे लेकिन थोड़े पॉइंट आपको दे सकते हैं। उसके अलावा तावीद रिदोए हैं, परवेज हुसैन है, किसी को नहीं उठा रहा मैं, ठीक है। आप नजमुल हुसैन शेंटो को बस मैक्सिमम देख सकते हो उठाने का। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो हार्दिक पांड्या हो गए, मेडी हसन मिराज हो गए, इन दोनों को मैं अपनी टीम में उठाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों देखो रिशाद हुसैन है, मैंने आपको बताया हल्के से रिस्की है, लेग स्पिन बॉलिंग करेंगे, बैटिंग भी आई जाएगी, दे सकते हैं थोड़े बहुत पॉइंट, आप रिस्क लेना हो इनको उठा लेना। बाकी महमदुल्लाह को मैं उठा नहीं रहा क्योंकि बॉलिंग मिलने के चांसेज कम है। रियान पराग बैटिंग ऑर्डर डाउन है, नहीं उठा रहा। वॉशिंगटन सुंदर दो ओवर करवाए थे पिछले मैच में, इस मैच में पता नहीं कितने करवाएंगे। पिछले मैच में तो चलो स्पिनर को सपोर्ट था, इस मैच में तो वो भी नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है उठाने के ऊपर। बाकी नितेश रेड्डी हैं जो कि नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, दो ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रिस्क लेकर मैं नितेश रेड्डी को ही उठा लूँ, है ना। तो ये थोड़ी सी देखो मैं सोच रहा हूँ चीजें, अगर हल्की सी रिस्क की टीम बनेगी तो उससे फिर मैं 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन करूंगा, फिर हेड टू हेड वगैरह का चांस ही नहीं है, है ना। और बाकी बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों देखो अपन अर्षदीप सिंह को उठाएंगे, उसके अलावा दोस्तों अपन वरुण चक्रवर्ती को उठाएंगे, अपन मयंक यादव को उठाएंगे। बांग्लादेश की तरफ से दोस्तों बॉलिंग में आप मुस्तफिजुर रहमान को मैक्सिमम बस यही उठा सकते हो और कुछ मत करना, ठीक है। ये देख लो 9 प्लेयर हो चुके हैं जिनमें से आप मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करने का देखना चाहो तो देख सकते हो। और कौन कौन से प्लेयर उठाना है आपको वो मैं बता देता हूँ। ये तो एक सेकंड रुको रे यार, ये मुस्तफिजुर रहमान मैंने उठाया, ये जो देख रहे हो ये तो मस्ट हैव पिक हो गए एक तरीके से। अब कौन कौन से प्लेयर उठाने वो मैं आपको बता देता हूँ, 8 प्लेयर उठा चुके हैं, 3 प्लेयर उठाने बाकी हैं। लिट्टन दास आपके पास एक चॉइस है, यहाँ से नजमुल हुसैन शेंटो आपके पास एक चॉइस है, यहाँ से आपके पास रिशाद हुसैन और उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, नितेश कुमार रेड्डी, ये 5 टोटल चॉइस हो चुके हैं। और यहाँ से मुस्तफिजुर रहमान 6 चॉइस है, 6 में से कोई 3 उठाने, किसको उठाना चाहोगे? सेफ खेलना हो आप मुस्तफिजुर रहमान को उठाओ एक, दूसरा आप उठाओ नजमुल हुसैन शेंटो को 2, और तीसरा आप लेस से कि रिशाद हुसैन को उठा लिया है ना, तो वो हो जाता है 3। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको हल्का सा रिस्क भी पसंद है तो मैं बता रहा हूँ मैं किसको उठाने वाला हूँ। मैं उठा रहा हूँ दोस्तों एक तो रिशाद हुसैन को, एक उठा रहा हूँ मैं के नितेश रेड्डी को, और उसके अलावा दोस्तों एक मैं देख रहा हूँ यार नजमुल हुसैन शेंटो को उठाऊँ या फिर वॉशिंगटन सुंदर को उठाऊँ, है ना। इन दोनों में से ही किसी को उठाने का मैं एक्चुअली में देख रहा हूँ, या तो वॉशिंगटन सुंदर को या फिर नजमुल हुसैन शेंटो को। उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान के साथ भी जा सकते हैं अपन, क्या बोलते हो कैसे उठाएं, है ना। एक बार के लिए एक काम करते हैं, ये तो वीडियो की टीम है इसमें तो किसी को भी उठा लेते हैं अपन, एक काम करते हैं नजमुल हुसैन शेंटो को ही उठा लेते हैं, धीरे धीरे खेल के थोड़े बहुत पॉइंट दे ही देंगे, बैटिंग फ्रेंडली पिच है ना। बाकी दोस्तों ये वाली जो टीम आपको दिख रही है ये वीडियो वाली टीम है, लेकिन इसमें डेफिनेटली मैं चेंजेस करूंगा वो पिच को देखते हुए। फाइनल पिच रिपोर्ट भी तो आ सकती है यार, थोड़ी डिफरेंट भी आ सकती है, अपन ने तो बैटिंग फ्रेंडली पिच माना लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, उस हिसाब से अपनी टीम में भी चेंजेस होंगे। तो जो भी होंगे वो मैं आप लोगों के साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हम देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भाई पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अदरवाइज डिसलाइक कर देना मेरे को चलेगा, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए
सेफ चॉइसेज में आ जाते हैं हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, उसके अलावा अभिषेक शर्मा एक काफी अच्छे ऑप्शन है सीबीसी के लिए। एंड अदर देन दैट, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है देन अर्शदीप सिंह यू कैन ट्राई। ठीक है, इस वीडियो के लिए आप एक काम करो, आप